बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को दरकिनार कर दिया गया है। सुशील मोदी को डिप्टी सीएम की कुर्सी तो नहीं मिली, साथ ही साथ कैबिनेट में भी एडजस्ट नहीं किया गया। लेकिन अब डिप्टी सीएम की कुर्सी जाने के बाद सुशील कुमार मोदी को विधान परिषद में नई जिम्मेदारी मिली है। सुशील कुमार मोदी विधान परिषद के आचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस आदेश पर मुहर लगा दी है। विधान परिषद की आचार समिति बेहद महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। ये एक स्थायी समिति है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसका गठन किया गया था। परिषद से आने वाले सदस्यों के अनुशासन के साथ साथ उनके आचार को लेकर यह समिति काम करती है। किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या आपत्तिजनक आचरण के मामले इसी समिति के पास पहुँचते हैं। वहीं आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी के साथ साथ जेडीयू के विधान पार्षद और पूर्व जल संसाधन मंत्री संजय झा को भी परिषद की एक महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। संजय झा याचिका समिति के अध्यक्ष होंगे। इस संबंध में कार्यकारी सभापति ने आदेश जारी कर दिया है। संजय झा को भी इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है।